यो भाई लोग, कैसे हो? मैं बहुत ही दुखी हूँ यार। सबसे पहले तो बीमार हूँ, लाइक सर्दी खांसी फीवर। मैं थक गया हूँ भाई, मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड। रियल मैड्रिड, आई एम टायर्ड ऑफ रियल मैड्रिड भाई। रियल मैड्रिड 1 बार्सिलोना 2। भाई रियल मैड्रिड, बार्सिलोना गोल कंसीड नहीं कर रही है और रियल मैड्रिड गोल मार नहीं पा रहा। एक लकी गोल आया अराउहो से, वो फिनिका क्रॉस था आराहो के मुंह पे लगा था यार, और फिर अंदर चला गया। लकी लकी गोल, और फिर कंफर्टेबल हो गए। फीफा समझ के रखा है ये रियल मैड्रिड वालों ने। मेरा फीफा टीम भी ऐसा ही करता है, एक लकी गोल आ जाता है और फिर कंफर्टेबल, मतलब ये डिफेंस करने के लग जाता हूँ और फिर क्या होता है पता है? हाँ, एकदम स्टूपिड गोल्स लगता है। वो पहला सर्जियो रोबर्टो का गोल था ना, लाइक 2-3 बार इंटरसेप्ट हुआ, बट फिर भी बॉल को, बहन का बॉल, फिर भी जाएगा क्या कहते हैं बार्सिलोना के बंदे के पास ही, मतलब किसी और के पास नहीं, क्लियर नहीं होगा बॉल, सीधा जाएगा बार्सिलोना बार्सिलोना के बंदों के पास। वही हो रहा था पूरे मैच में। लास्ट में तो वो लास्ट वाला गोल अच्छा था भाई, मतलब ऐसा गोल अच्छा लगता है जब वो अच्छी तरह बिल्डअप होता है बॉल। लिवांडोव्स्की ने कमाल का मैच खेला कल। वो से बॉक्स स्ट्राइकर नहीं था वो अपनी, हाँ लिवांडोव्स्की कमाल का खेल रहा था बस। बेंजेमा 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 को क्या ब्लेम करो, बेंजेमा का फॉर्म ऑफ कोर्स ड्रॉप हुआ है, बट यार हाँ आ यार बेंजेमा 35 है ना, नहीं होगा बेंजेमा से। हमें एक फास्ट स्ट्राइकर, एक सुपर फास्ट स्ट्राइकर लाइक एम्बापे चाहिए ऑफ कोर्स, बट वो फ्यूचर की बात है। अभी बात करते हैं मैच का, राइट? लाइक इतना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, लाइक हाँ भाई विनी जूनियर वही कर रहा है। विनी बंदा अपना कंफ्यूज है, पूरी तरह कंफ्यूज है यार। बंदा बंदा नहीं कर पा रहा। आराहो को उसने कल बीट किया, ऑफकोर्स उसका परफॉर्मेंस पहले आराहो के अगेंस्ट से थोड़ा बेहतर था कल, बट लाइक फिर भी यार कोई सेम बात है यार। सबसे वीक परफॉर्मेंस कारवाहाल का था। आई मुझे कारवाहाल बहुत पसंद है। कारवाहाल ना वो बंदा है जो लाइक एकदम क्लच मोमेंट में तुमको एसिस्ट देगा, वही बंदा है कारवाहाल। कल भी दिया था ऑफकोर्स एसेंसियो को, बट क्या बोलूं, अब जो हो गया सो गया। एल मिला है तो लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स। क्या वो ऑफसाइड था? हाँ ऑफसाइड था शायद, कुछ वो एल्बो थोड़ा बाहर था, बट एल्बो से गोला था तो मुझे नहीं लगता वो गोल होता है। मतलब इधर पार्ट से गोला था तो ऑफ कोर्स वो भी हैंडबॉल होता, राइट? मुझे नहीं पता, ऑफसाइड है तो ऑफसाइड है, ले लूंगा। और फिर गया कारवाहाल 90 मिनट खेला और नहीं भाई, मुझे कारवाहाल ने वो अपना प्राइम पास कर चुका है। वो अपने प्राइम में बहुत ही अंडररेटेड था, उसने अपना काम अच्छी तरह किया, बट वो अभी हाँ वो अभी चला गया है भाई, वो अभी चला गया। उसको लाओ, उसको नाइन को कहते हैं लास्ट 20 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर लाओ अगर लाना है तो। बाकी हमको राइट बैक चाहिए, हमको राइट बैक चाहिए। लेफ्ट बैक तो अपने फ्रेंड गार्सिया लेफ्ट बैक है ना, हाँ फ्रेंड गार्सिया आने वाला है राइट नेक्स्ट सीजन, बट हमको एक राइट बैक चाहिए। और हाँ सबसे टेस्टी नाम जो है हुआ कैंसेलो भाई, अगर वो बंदा मिल जाए तो कमाल है। फॉर्म ऑफ कोर्स थोड़ा कम है, बट फिर भी यार वाओ कैंसिल हो। बंदा बंदा अटैक कर सकता है, बंदे को बंदा सिर्फ क्रॉस नहीं करता, ओके बंदा अटैक कर सकता है। बंदा लाइक उसके पास पेस है, उसके पास पेस है, और वो एक्सपीरियंस है, लाइक परफेक्ट बंदा था। नहीं चाहिए लेकिन रियल मैड्रिड को इस सीजन चांस मिला था लोन पे, बट नहीं चाहिए, दे दिया बयान को, और बयान पे भी चांस नहीं मिल रहा उसे इतनी। नहीं मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं बयान के मैचेस नहीं देखता। जो भी हो राइट बैक मैं ले लूंगा वाओ कैंसिल हो, बट एक अच्छा राइट बैक हमको चाहिए, एक फास्ट राइट बैक, ओके एक सुपर फास्ट राइट बैक, एक अटैकिंग राइट बैक जो डिफेंड भी कर लेता है। ना भाई कारवाहाल एक समय कमाल का था भाई, कारवाहाल एक समय कमाल का था। वो लास्ट सीजन लाइक वो कहीं उसका फॉर्म आ गया पूरे मैच में, लास्ट सीजन चैंपियंस लीग के फाइनल्स में लिवरपूल के अगेंस्ट उसने अब कमाल का मैच खेला था। वो सिर्फ एक क्लच प्लेयर ऐसा है हो गया है लाइक, ना वो लाइक एक सीजन नहीं टिक सकता। बट मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं तो मुझे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एंसेलोत्ती, मैं एंसेलोत्ती को क्या ब्लेम करूं, मुझे नहीं पता। वो मुझसे ऑफकोर्स फुटबॉल में बहुत ही ज्यादा आगे है, राइट? वो मुझसे मिलियन माइल्स, मिलियन वेस, बिलियन वेस आगे है। उसके सब्स्टिट्यूशन भी कोई बुरा नहीं था भाई। वो जो गोल आया किसका, केसी का गोल, लाइक लिवांडोव्स्की, अच्छा था गोल, अच्छा था। उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम अगर मुझे किसी को करना है वो है फॉरवर्ड्स को, लाइक कुछ नहीं कर रहा भाई। विनी विनी बंदा लाइक वो लोग ये भी नहीं कर रहे कि ऑन टारगेट शॉट भी नहीं रख रहा है यही। हाँ भाई विनी ने शॉट मारा वो ऊपर से, रोड्रिगो को चांस मिला, रोड्रिगो ने तो वो पता नहीं, रोड्रिगो ने वो हवा में मार दिया, और फिर इंटरसेप्शंस के ऊपर इंटरसेप्शंस कर रहा है डिफेंस, लाइक पता नहीं सच में। और लालिगा तो चला गया ऑफकोर्स,
ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ला ले गया चला गया। चलो आई मीन कब का चला गया वो ये मैं जीतते भी तो मुझे नहीं लगता। अगर तुम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा है तो हमने स्टूपिड वे से हमने बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉप किए, मालोर का और मायोर का, मालोर का जो भी हो, रायो के अगेंस्ट, एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, फिलारियल, हाँ स्टूपिड पॉइंट्स ड्रॉप किया। तो लालिका अपने पास था ही नहीं। हाँ जावी भाई, मजाक मजाक में डोमेस्टिक ट्रेबल ले जाने वाले हैं भाई। लालिका तो मिल गया, सुपर कोपा दे एस्पानिया तो जीत चुके हैं, और भाई को कोपा डेल रे मैं अब भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम सेमीफाइनल में जीतेंगे। सेमीफाइनल वन ना दोनों ने अपना वो होता ना, वो एक मीम है ना, वो एक्सचेंज कर लिया था। सेमीफाइनल वन में क्या होता, रियल मैड्रिड टिकी टाका खेल रहा था, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, और बार्सिलोना काउंटर अटैक, और काउंटर अटैक गोल मिल गया, वो भी कोई कमाल का गोल नहीं था, बस लकी गोल था, डिफ्लेक्शन लगा एडर से और वो गया। रियल मैड्रिड नहीं खेल रहा जैसे वो खेलता है। जब भी हो होपफुली कोपा डेल रे में जीतेंगे सेकेंड लेग, होपफुली। मैं नहीं देखने वाला भाई, मुझे लगता है मैं ही पनौती हूँ। ओके मैं पनौती हो गया, मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता हूँ ओके। और जब से मैंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया था तो मुझे हमें 5 IPL ट्रॉफी जीते ओके। ना मैं ही पनौती हूँ, बैन स्टॉक्स मैं ही पनौती हूँ। इंडिया को ट्रॉफी क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ राइट। हाँ मुझे नहीं पता, मैं मुझे नहीं पता। रियल मैड्रिड को मैं जब भी रियल मैड्रिड के मैचेस देखता था वर्ल्ड कप से पहले, 99.9% टाइम जीतते थे भाई। गोल कॉन्सिट करते थे बट जीतते थे। अभी क्या हो रहा है वर्ल्ड कप के बाद ना भाई, जब भी मैं नहीं देखा तब भी जीते हैं पता है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल 5-2 वाला, इतना इतनी अच्छी तरह जीते, मुझे लगा चलो यार हो गया, आई एम बैक, रियल मैड्रिड इज बैक। नहीं, और फिर लग गए लौड़े। मैं और नहीं देखने वाला मैचेस यार, देखते हैं। मैं नहीं देखने वाला, मैं नहीं देखूंगा सुपर कोपा दे एस्पानिया, नहीं, क्या था वो, कोपा डेल रे का सेमीफाइनल टू, कि अगर रियल मैड्रिड जीता राइट तो मैं कभी और नहीं देखूंगा। यह पूरा साल मैं रियल मैड्रिड के मैचेस नहीं देखूंगा, आई प्रॉमिस नहीं देखूंगा। अगर सुपर कोपा दे एस्पानिया में के सेमीफाइनल में बार्सिलोना को हरा के रियल मैड्रिड फाइनल में पहुंचती है ओके, और फिर फाइनल भी जीतती है, नहीं, फाइनल फाइनल छोड़ो, अभी सेमीफाइनल जीत के जाता है फाइनल में, तो मैं पूरा साल, ये पूरा साल 2023 मैं रियल मैड्रिड के मैचेस नहीं देखूंगा। मैंने बोल दिया, मुझे मैं कंफर्म हो जाऊंगा, मैं पूरा तरह 100% कंफर्म हो जाऊंगा, मैं ही पनौती हूँ ओके। जो भी हो यार डिसअपॉइंटेड, मुझे लगता है हमें एक फास्ट स्ट्राइकर चाहिए, एक सुपर फास्ट स्ट्राइकर। कोलो मुआनी भी है टॉक्स में, वो भी 100 मिलियन ऐसा कुछ है उसका प्राइस। कोलो मुआनी आई थिंक स्ट्राइकर ज्यादा क्या कहते हैं प्रायोरिटी है रियल मैड्रिड का भी, और फिर जूड बेलिंगहम भी है, बट जूड बेलिंगहम और सबके प्राइस बहुत ही ज्यादा है, मुझे पता नहीं रियल मैड्रिड क्या करेगा, बट हाँ बैन स्टॉक्स। चलो यार बाय बाय, गुड नाइट, और क्या जो भी हो देखा जाएगा भाई।